गुड मॉर्निंग क्लास सेवन। हम साइंस का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था फाइबर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, दो तरह के होते हैं, सिंथेटिक और नेचुरल। सिंथेटिक वो होते हैं मैनमेड, और नेचुरल जो हमें प्रकृति देती है, जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, ये सब नेचुरल थे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है वूल। वूल मतलब ऊन। ऊन होती क्या है, कहाँ से हमें मिलती है, तो वूल क्या है, वूल इज कॉमनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से मिलती है, फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप, गोट, या कैमल एंड रैबिट। ठीक है, भेड़ से मिलती है, बकरी से मिलती है, याक से मिलती है, ऊंट से मिलती है और खरगोश से मिलती है। ठीक है, तो इन जानवरों को हम क्या बोलते हैं, वूल यील्डिंग एनिमल्स। जो जानवर हमें वूल देते हैं उन्हें हम बोलते हैं वूल यील्डिंग एनिमल्स। ठीक है, जैसे ये वूल से बना हुआ फैब्रिक है, तो इसका ये जो थ्रेड है इसमें छोटे छोटे रेशे होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, फाइबर, और फिर इनसे क्या बनता है, फैब्रिक बनता है। ठीक है, तो इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्यों हम सर्दियों में क्यों वूल का यूज करते हैं, तो वूल का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि वूल इज ए गुड फाइबर फॉर मेकिंग फैब्रिक। ठीक है, वूल से बहुत ही अच्छी तरह से फैब्रिक बनाया जा सकता है, बिकॉज क्योंकि इट इज सॉफ्ट एंड प्रोवाइड वार्मथ। ये क्या होता है, नरम होता है और हमें हमारी बॉडी को गर्मी देता है। ठीक है, रेजिस्टेंट टू फायर, और जो फायर है उससे बचाता है, और एब्जॉर्ब गुड अमाउंट ऑफ वाटर विदाउट गेटिंग डैम्प, मतलब इसको हम जब भी डैम्प करेंगे तो ये बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, फिर आपने देखा होगा कि ये बहुत टाइम लेता है सूखने के लिए, क्योंकि ये वूल जो है इसमें कैपेसिटी होती है बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब करने की। ठीक है, एयर स्पेस बिटवीन वूल फाइबर क्रिएट एंड इंसुलेटर। जैसे ये फाइबर है, दो तरह के धागे हैं, वूल है, ठीक है, इसके बीच में जो एयर गैप बनता है, एयर का जो स्पेस बनता है, मतलब हर दो थ्रेड है उनके बीच में क्या होगी, हवा होगी। तो ये जो हवा होती है ये क्या काम करती है वूल फाइबर में, क्रिएट एंड इंसुलेटर बैरियर, मतलब जो भी अंदर की गर्मी है उसको अंदर रखेगी और जो बाहर की ठंड है उसको बाहर रखेगी। तो एज ए इंसुलेटर काम करती है, वो क्या करता है, विच प्रिवेंट बॉडी हीट फ्रॉम एस्केपिंग, जो हमारी बॉडी की हीट है वो हमारी बॉडी से बाहर ना जाए, तब हम क्या पहनते हैं, वूल। और ये एयर स्पेस बनाती है बिटवीन द वूल फाइबर एंड क्रिएट एंड इंसुलेटिंग बैरियर। ठीक है, लास्ट हैज इलास्टिसिटी एंड ड्रैम्प्स वेल, मतलब इसकी इलास्टिसिटी होती है, इसको हम लचीलापन होता है, इसको हम खींच सकते हैं, फिर ये अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है, तो इट हैज इलास्टिसिटी एंड ड्रैम वेल। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स इंपॉर्टेंट वूल यील्डिंग ब्रीड्स ऑफ इंडियन शीप। जो इंडियन शीप्स हैं उनकी छह एक महत्वपूर्ण जो ब्रीड होती है वो कौन कौन सी है, नंबर वन बकरवाल। ठीक है, बकरवाल एक तरह की ब्रीड का नाम है, ये कहाँ पाई जाती है, जहां पे, जम्मू कश्मीर। ये आपकी बुक में टेबल दे रखा है, आप उसको देख सकते हैं ये। ठीक है, फर्स्ट ब्रीड है बकरवाल, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। दूसरी लोही, जो राजस्थान और पंजाब में होती है, ज्यादातर शीप्स की ब्रीड कहाँ होती है, राजस्थान और पंजाब में। नीली राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, रामपुर, बुशहर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, पटनवाड़ी गुजरात में, और मारवाड़ी गुजरात और राजस्थान में। ये क्या है, इंडियन शीप की ब्रीड की सिक्स इंपॉर्टेंट ब्रीड्स के नाम है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये आपका होमवर्क है। व्हाट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वूल, वूल की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, वूल इज ए गुड फाइबर फॉर मेकिंग ए फैब्रिक, बिकॉज क्यों हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, ये आपको होमवर्क करना है।